गाड़ी की टक्कर लगने की मामूली बात पर युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गरा थाना अंतर्गत 7 अक्टूबर की सुबह कोष्टा मोहल्ले में 24 वर्षीय अक्षय कोष्टा की लाश मिली थी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने जानकारी दी थी कि अक्षय के मोबाइल पर किसी का फोन आया था और वह कुछ देर बाद वापस लौटने की बात कहकर चला गया और सुबह के समय किसी ने उन्हें फोन करके जानकारी दी थी कि अक्षय की खून से लथपथ लाश मिली है, जिसके बाद अक्षय की मौत की पुष्टि की। साथ ही बताया कि उसके सिर, पेट और कान के पास चाकू मारकर उस चोट पहुंचाई गई थी और खून अधिक बढ़ जाने के कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें तीन युवक नजर आए। इसके बाद पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू की। वहीं मुखबिर द्वारा पुलिस को जानकारी मिली कि अंकित अहिरवार, सुमित उर्फ घड़ा झारिया और रवि झारिया घटना के बाद से ही फरार हैं, लेकिन सीसीटीवी में तीनों घटना स्थल के पास नजर आए थे। इसके बाद पुलिस को पता चला कि तीनों शिवपुरा भिटोनी में हैं और वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल टीम रवाना कर तीनों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। 4 बजे की बात जी भैया। हाँ, विगत चल समारोह के अर्ली मॉर्निंग 7 तारीख को लगभग 4-4:30 बजे के लगभग सूचना आई कि एक जो शव है वो कोष्टा मोहल्ले में पड़ा हुआ है, जिसपे एक धारदार हथियार से घाव भी उसमें प्रतीत हुआ, जिसे मेडिकल में तत्काल वहाँ इलाज के लिए लिया गया, जहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके उपरांत वहाँ मौजूद थाना प्रभारी एवं उनकी टीम सभी ने मेहनत करके 48 घंटे के अंदर इस पूरी घटनाक्रम को अपने सूत्रों से, लोकल और अपनी मुखबिरी से इसको पता किया, जिसमें कि ये पता चला कि तीन लोग जो कि गढ़ा के रहने वाले हैं, जिनका नाम है सुमित उर्फ घोड़ा झारिया, रवि उर्फ अन्नू झारिया और अनिकेत उर्फ अंकित अहिरवार, ये लोग चल समारोह के दौरान अपनी बाइक से आ रहे थे और ये भी दारू पिए हुए थे, और जो मृतक हैं लखन वो भी दारू पिए हुए थे, और वहाँ से इन दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ और एक दूसरे को गाली गलौज किया, जिस पर से कि जो सुमित है, जिसे घोड़ा नाम से भी जाना जाता है, उसने आवेश में आके चाकू मार दिया उनके पेट में और एक घाव कान के पास भी आया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिससे घबरा के वहाँ से फरार हो गए, जिसे अपनी हिकमत अमली से पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से गिरफ्तार किया? आरोपी का बैकग्राउंड ऐसा कुछ विशेष नहीं है। आरोपी अभी नवयुवक ही हैं, जिनकी उम्र 19 साल, 21 साल और 24 साल है। ऐसा कुछ विशेष काम नहीं करते हैं ये, और जैसे ही इन्होंने जब घटना कारित करी उसके बाद ये काफ़ी घबरा गए और ये अपने घर में नहीं गए, और उसके बाद ये भागने की फिराक में थे, जिसे फिर उन्हें जाके हमारी टीम ने शहपुरा के पास से पकड़ा और बहुत समय रहते हुए पकड़ लिया गया, नहीं तो ये फरार हो जाते और फिर जिसके बाद फिर इन्हें पकड़ने में हो सकता है कि ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। कौन सा यूज़ किया था? ये एक धारदार चाकू जो सुमित ने अपने पास रखा हुआ था, उससे उसके पेट और कान के पास वार किया। सर, लड़की बाजी का बेटा सामने आया था, परिवारों ने बताया कि लड़की का इशू आ रहा था। एक जब शुरुआती दौर पर जब छानबीन की जा रही थी तो ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इनके किसी अन्य महिला के साथ भी बात करने के या संबंध होने के कारण ये घटना हो सकती है, परंतु जब पूरी घटना की तस्दीक हुई तो ये बात सामने नहीं आई, और ये जो व्यक्ति थे ये केवल एक क्षणिक आवेश में आके इन्होंने ये घटना कारित करी है, ऐसा कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770222999999।